Very warm welcome to my channel. So today's session we are going to see how to implement a program by using call by reference in Java on BlueJ. So let's begin. Call by reference को समझाने के पहले मैं एक छोटा सा revision tool देना चाहती हूँ regarding the call by value. हमने ये program कल बनाया था. Call by value में हमने देखा था कि user ने जो global variable provide की थी वो रन करने के बाद में वो सेम ही थी. मतलब जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 56 है. फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर यूजर ने x और y की वैल्यू को चेंज किया. मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 42 हो गई और y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 56 हो गई. फंक्शन को कॉल करने के बाद भी x और y की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी. आप इसका आउटपुट देखिए. देखिए फंक्शन को कॉल करने के पहले x और y की वैल्यू ये थी. जब फंक्शन को कॉल किया तो x और y की वैल्यू ये हो गई. लेकिन जैसे ही हमारा कंपाइलर फंक्शन के बाहर निकला, दोबारा से उसने x और y की पुरानी वैल्यू फेच कर ली. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू का. मतलब आपके वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लोकली आपके फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपका कंपाइलर आपके फंक्शन के बाहर निकलेगा, दोबारा से वो ग्लोबल वैल्यू को ही प्रिंट करेगा. ओके, तो अब हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल के एड्रेस से डील करते हैं. जावा में कॉल बाय रेफरेंस या तो एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम बाय यूजिंग अ कॉल बाय रेफरेंस. सो नाउ लेट्स बिगिन. मैं एक काम करती हूँ, ये कॉल बाय वैल्यू का जो पूरा कोड है, नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड एंड देन आई एम पेस्टिंग इट हियर एंड सी. तो ये मैंने एक प्रोग्राम है और मैं अपने क्लास का नाम यहाँ पर दे रही हूँ, रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस. ओके, सो दिस इज माय क्लास नेम. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. ये मेरा प्रोग्राम है. मैंने यहाँ पे एक दो वेरिएबल लिए हैं, एक्स और वाई, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं और दोनों में मैंने एक वेरिएबल प्रोवाइड किया है 40 और 56. मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 40 और वाई की वैल्यू क्या है 56. ओके, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी आप किसी फंक्शन को बनाओगे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, तो वहां पर आप पास करोगे आपके क्लास का ऑब्जेक्ट. मैं दोबारा से बताती हूँ, मतलब जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो वहाँ पे आप क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे और कॉलिंग के टाइम पे भी आप क्या पास करोगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस की बात कर रहे हैं. रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, मतलब उस एड्रेस पर जाकर वैल्यू को चेंज करना है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास करेंगे. ओके, देखिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है void add और इस फंक्शन में मैं x और y की वैल्यू को 2 से ऐड कर रही हूँ. और क्यों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या पास करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट, इसीलिए मुझे इस फंक्शन में ऐसे पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट. तो देखिए मैंने मैंने पहला ऑब्जेक्ट पास किया और मैंने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया. ओके, तो देखिए ये हमारा काम हो गया. तो दिस इज सो वी हैव मेड अ फंक्शन एंड द नेम ऑफ माई फंक्शन इज एड एंड हियर एज अ पैरामीटर आई एम पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास टू दी फंक्शन. ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है. एक्स और वाई की वैल्यू पहले 40, 56 से हमने इनिशियलाइज करी है, फिर एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने हमारे क्लास का दो ऑब्जेक्ट पास किया है और इस फंक्शन के अंदर मैं एक्स और वाई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ. ओके, सो वी आर डन. ओके, अब हम क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन. फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एंड देन क्लास नेम. ओके, तो फाइनली हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है. मेरे ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे है ओबीजे. ओके, तो अब देखो टाइम टू कॉल दिस फंक्शन, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन. सो व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट ओबीजे एंड व्हाट इज माय फंक्शन नेम एड. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको कॉल करूंगी तो आप देखिए फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हमने क्या पास किया था, ऑब्जेक्ट पास किया था ना, इसीलिए कॉलिंग के टाइम पर मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट का नाम क्या प्रोवाइड किया हमने, ओबीजे. तो वही चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओबीजे कॉमा ओबीजे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पर वी हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट फॉर माई क्लास एंड इन द प्लेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वाइल कॉलिंग, कॉलिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट ही प्रोवाइड कर रही हूँ.
अब हम इसे कंपाइल करेंगे, नो एरर्स. ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द कोड फॉर द कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू. देखिए, ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम था. यहाँ पे जो फंक्शन था एड, उसमें हमने क्या पास किया था, वेरिएबल पास किया था, और कॉल करने के टाइम पे हमने वैल्यूज प्रोवाइड की थी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय रेफरेंस में हम फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम पर क्या प्रोवाइड करते हैं, पास करते हैं ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और कॉल करने के टाइम पे भी क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे. इसीलिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट एड्रेस से डील करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस. तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं. सो नाउ लेट्स रन द कोड. आई एम इरेजिंग माई आउटपुट स्क्रीन. नाउ लेट्स चेक द आउटपुट. देखो, इसको रन करेंगे. सो नाउ सी द आउटपुट. देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कॉलिंग 4056, देन व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन 4258, एंड आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन 4258. मतलब आप ये देखो कि यूजर ने एक्स और वाई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज की थी, सबसे पहले 40 और 56 की थी. इस फंक्शन में जैसे ही कंपाइलर एंटर हुआ, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 42 हो गई, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 58 हो गई. क्यों हो गई, क्योंकि हमने दोनों ही नंबर से में 2 और 2 का ऐड किया था. तो 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, एंड 56 प्लस इट इज इक्वल टू 58. मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के टाइम पर मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है. सी, ओके. अब आफ्टर कॉलिंग, फंक्शन से बाहर निकलने के बाद जब हमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 42 और 58. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं. तो जब कंपाइलर ने इस फंक्शन को कॉल किया, तो क्योंकि ये जो फंक्शन जब कॉल हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ था, तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर जब देखा कि x की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट ने x की पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट कर दिया. x की वैल्यू पुरानी क्या थी, 40 थी, और न्यू वैल्यू क्या हो गई, 40 प्लस 52. तो नई वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ नाउ माई एक्स इज वॉट, एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 56 प्लस 2 इज इक्वल टू 58. ओके, और क्योंकि हमने ये काम किसके थ्रू किया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, उसके एड्रेस पर जाकर, एड्रेस पर जाकर एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दी है. मतलब पहले एक्स और वाई की वैल्यू 40, 56 थी, और अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइनली क्या हो चुकी है, 42 और 58. इसीलिए फंक्शन कॉल करने के बाद पे यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका आउटपुट 42 और 58. तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस. हमने ये जब कंपाइलर यहाँ पे मेन फंक्शन में आया, उससे सबसे पहले देखो, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कॉलिंग. मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के पहले हमने जब एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट की थी, तो वो क्या थी, 40, 56 थी. तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है, 40, 56. ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया. जब फंक्शन को हमने कॉल किया, तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई, और क्या हो गया यहाँ पे, 42 और 58. फंक्शन को कॉल करने के बाद में जब हमने दोबारा से एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करी, तो उसने अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करवाया. देखिए, 42 और 58, मतलब यहाँ पर जो ग्लोबल वैल्यू था वो चेंज हो गया है, क्योंकि हमने ग्लोबल वैल्यू के एड्रेस पर जाके उस वैल्यू को मॉडिफाई किया है. तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस मीन्स द वैल्यूज ऑफ द ग्लोबल वैल्यूएबल कैन बी मॉडिफाइड, बट इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वैल्यूएबल कांट बी मॉडिफाइड. इट विल गेट चेंज लोकली इन टू दी फंक्शन, बट विल नॉट गेट मॉडिफाइड. लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वी कैन अपडेट और वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ऑल्सो. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू.